दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। गरीबों के कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। भानुपुरी बिलासपुर रेलवे लाइन हो, बद्दी की रेलवे लाइन हो, दौलतपुर चौक तक ऊना से रेलवे लाइन पहुंचाने की बात हो, या वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल प्रदेश से चलाई तो नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वन रैंक वन पेंशन देकर, वन रैंक वन पेंशन देकर आपने सैनिकों का सम्मान किया। कारगिल के युद्ध में आपने जाकर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया। सैनिकों को आप अपना परिवार मानते हैं, तभी तो मोदी जी हर दिवाली बॉर्डर पर सेना के जवानों के साथ मनाते हैं। किसानों की आय बढ़े, दुनिया भर में खाद के दाम तीन गुना बढ़ गए, यूरिया के दाम बढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया। मोदी जी ने 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल दी है ताकि गरीबों के ऊपर बोझ ना पड़े, और पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए आपके खाते में डालने का काम भी मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहन, जिए जवान जिए किसान, इसी मूल मंत्र के साथ आपने आगे बढ़ाया है। मित्रों, 2014 से पहले गरीबों की हालत क्या थी देश में? गरीब कच्चे मकान में रहता था, जंगल से लकड़ी काट के चूल्हा जलाता था, शौच करने के लिए खुले में कई किलोमीटर जाता था, पानी लेने के लिए कुएं या तालाब में जाना पड़ता था, बैंक का खाता नहीं था, इलाज करवाना पड़े तो जमीन गिरवी रख के और कर्जे के बोझ तले दब जाता था। गरीब मां का बेटा, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या होता है? 3,22,00,000 लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचा दी, 4-4 LED के बल्ब दे दिए, हर घर को शौचालय बनाकर दे दिया, हर बहन की रसोई में गैस सिलेंडर और चूल्हा पहुंचा दिया, बैंक खाता खोल दिया, आपदा के समय 1,500-1,500 रुपए मदद कर दी, और इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना में 5-5 लाख रुपया 60 करोड़ लोगों को देने का काम भी किया है। पीने की प्यास भी बुझाई, हर घर को नल, नल से जल देने का काम भी किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है। सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और बढ़ाने का काम, भारत के गौरवशाली इतिहास को गर्व भी करना और आगे भी बढ़ाना, सोमनाथ मंदिर दिव्य और भव्य बनाने का काम किया। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम हो, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम हो, और अब दिव्य और भव्य अयोध्या धाम के साथ भव्य राम मंदिर का काम भी पूरा होने वाला है। यह आस्था के केंद्रों के साथ अर्थव्यवस्था खड़ा करने का एक अद्भुत काम प्रधानमंत्री मोदी जी आपने किया है, और हिमाचल प्रदेश के भी धार्मिक स्थलों के पास अब 12,000 करोड़ रुपया खर्च करके आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ किया जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे। करतारपुर कॉरिडोर से लेकर हेमकुंड साहब के आपने रोपवे तक लगवाने का काम किया है। लेकिन जहां मैं हिमाचल की बात करता हूं, हमारे भाग्य तो तब खुले जब आप देश के प्रधानमंत्री बने और हिमाचल में जयराम जी के नेतृत्व में सरकार बनी। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री जी दिया था, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रुकवाती थी। आपने दिल खोल कर दिया, इन्होंने विरोध किया। आपने काम दिए, इन्होंने रुकवाने के काम किए। जो कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, अटल टनल का काम रुकवा दिया था, औद्योगिक पैकेज को कम करवा दिया था, आपके प्रधानमंत्री बनते हिमाचल प्रदेश के, मैं कह सकता हूं,